हेलो फ्रेंड्स, आज है 31 दिसंबर और सुबह के बज रहे हैं 10:10। और आज के दिन कुछ अच्छा तो होना चाहिए, इसलिए हमने छोटी सी राइड प्लान की है। तो चलो चलते हैं। हम जब कभी भी इस रास्ते से निकलते हैं तो ये फाटक बंद ही मिलता है, लेकिन आज नसीब ने भी साथ दिया, फाटक खुला है। ठंडी हो या गर्मी, बाइक राइड करने का मज़ा ही कुछ और होता है। और हाँ, टपरी की चाय का मज़ा ही कुछ और होता है, तो हमने टपरी की चाय पी। अरे हाँ, आपको बताना तो भूल ही गए, हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं 31st को स्पेशल बनाने के लिए मुगल धाम, जो कि है बचाओ के बाजू में कबराव गांव में। तो चलो चलते हैं। अगर आप बस से या ट्रेन से आते हो तो बचाओ तक आना पड़ेगा। यहाँ से आपको रिक्शा या लोकल बस से कबराव तक जाना होगा। ये है बचाओ का बस स्टैंड और इसके बाजू में से ही रिक्शा और लोकल बस मिल जाएंगी। बचाओ से मुगल धाम कबराव का डिस्टेंस लगभग 16 किलोमीटर है, तो यहाँ से आप रिक्शा भी ले सकते हैं। अगर आप एसटी बस में आते हैं तो यहाँ पे उतरना होगा और यहाँ से रिक्शा में जाना होगा। यह है कबराव गांव का बस स्टैंड। आज 31st भी है और कच्छ में रणोत्सव भी चालू है, तो टूरिस्ट की संख्या कुछ ज़्यादा ही दिख रही है। पब्लिक ज़्यादा हुई तो क्या हुआ, लेकिन यहाँ जगह भी बहुत है, इसलिए पार्किंग की कोई समस्या नहीं होगी। हमने भी हमारी बाइक यहाँ पे पार्क कर दी है और चलो चलते हैं मंदिर में। अच्छे से दर्शन करके हम लोग आ गए हैं बाहर। आज संडे है और इस मंदिर में लगभग संडे और मंगलवार को पब्लिक ज़्यादा ही मिलेगी। यहाँ पे मंदिर की ओर से प्रसाद में खाने की व्यवस्था की गई है। यहाँ इस मंडप में लेडीज सब बैठती है और ये मंडप में जेंट्स के लिए अलग बैठने की व्यवस्था की गई है। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के अलावा छोटे कपड़े पहन के आने वालों को भी अंदर जाना अलाउड नहीं है। हम रिटर्न निकल ही रहे थे कि बचाव आया, तभी हमें शिव जी की मूर्ति दिखाई दी और सोचा आज तो यहाँ पे जाना ही है, क्योंकि जब कभी भी यहाँ से निकलना होता था तो ये मूर्ति हमें बचाव में एंटर होते टाइम दिखती ही थी। वाकई में बहुत ही बड़ी जगह है यहाँ पे और भगवान की प्रतिमा भी कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। वाकई में यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। चलो पहले इस मंदिर में दर्शन कर लेते हैं। ये है अंबे माता का मंदिर, तो चलो दर्शन कर लेते हैं पहले। बचाव की सबसे ऊंची प्लेस होगी ये, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़े अक्षर में बचाव लिखा है और यहाँ से पूरी सिटी का नज़ारा दिखाई दे रहा है और उसी टॉप पे महादेव जी की बड़ी सी मूर्ति। तो
ऐसा लग रहा है कि महादेव जी खुद इस सिटी की रक्षा कर रहे हैं। वैसे तो हमारा प्लान यहाँ आने का नहीं था, लेकिन क्या पता महादेव जी ने खुद ही हमें यहाँ बुला लिया हो, ऐसा लग रहा है। अगर आप भी बचाव के आसपास आओ तो यहाँ आना तो बनता है। मूर्ति के पास भी जा सकते हैं, लेकिन दोपहर 12 से 4 तक बंद होता है, इसलिए हम नहीं जा सकते। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1, इसलिए हम नहीं जा सकते। हमारी 31st तो कुछ ऐसी रही। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए।